नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार आज मैं लेकर आया हूँ इंदल हरण उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोग इस नाटक में देखेंगे कि इंदल हरण कैसे होता है, उर्फ बल बोकारो गढ़ में लड़ाई कैसे होता है। तो इस नाटक के प्रोपराइटर हैं ललित कुमार, जिनका घर पड़ता है बांकीपुर मछरियामा जिला पटना। तो लीजिए, आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग पहला। हेलो 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 बेटा परस पिताजी, बेटा परस पिताजी, एहराज दिल्ली गढ़े है, यहाँ नित दिन भगवान को भजन किया जाता है। हाँ पिताजी, आज भी यदि भगवान को भजन हो जाता है बहादुर, तो बंगला जय जयकार हो जाता है, बंगला जय जयकार हो जाता है। ठीक है बेटा, बेटा परस पिताजी, इस समय देवी भगवान के भजन कर लो। ठीक है पिताजी। पिता
पारस। इस समय लग रहा है दोनों मिलके बापू मिलकर भगवान को भजन किया तो बंगला मेरा जय जयकार उठा है। बेटा पारस, पिताजी आज बैठे बैठे मन में एक कुछ बात सोचा हूँ। क्या मन में बात सोचा पिताजी? सुन लो, बेटा तनी सुनला आई हो हमारी मोरला, सब दिन मेला रे बेटा आहो लगाया दीदी। बेटा पारस, पिताजी इस समय हमें मन में विचार बनाया हूँ। का विचार? इतने दिन मेला लगाया करता था राज दिल्ली में, आज दिल में सोचे बेटा पारस कि सावा महीना के मेला राज काशी हरिद्वार में लगा दूँ। हाँ पिताजी। द्वारपाल जी महाराज बोलिए। इस समय जो मैं कहता हूँ ध्यान लगा कर सुनो। ठीक है कहिए। दरबारी तनी सुनला आई हो पृथ्वी राज के हो बात, आहो कोने कोने में मीरा आहो पाती पे छाना। अच्छा दरबारी जी महाराज। इस समय तुम
पहला पत्रिका जो कि मैं कहता हूँ जहाँ लेके जाना। बोलिए बोलिए। इस समय पहला पत्रिका जो कि मेरे मामा जी रहते हैं राजूरियल में, जिसे नाम कहते हैं राजा माहिल सरदार। अच्छा बहादुर, पहला पत्रिका हाँ उन्हीं के पास जाना होगा लेके। पहला पत्रिका लेके उन्हीं के पास जाना है। हाँ अच्छा आओ। और दूसरा पत्रिका राज सिरसा में लेके जाना है बहादुर। अच्छा जहाँ के मेरे भाई बिरमल खाने रहते हैं। अच्छा और तीसरा पत्रिका जो कि राज महवाने लेके जाना बहादुर, जहाँ के बड़े भैया नूनू वाला सरदार रहते हैं, मेरे छोटा भाई रुदल रहते हैं। और इसी तरह से भादू एक किया में जाकर पति पठा देना है। जैसा आज्ञा महाराज जैसा। ठीक है जाओ। और रंग महल से कॉपी और कलम ने लिख कर लेके चल जाना बहादुर। ठीक है बात जाइयो। ठीक है बेटा पारस। पिताजी इस समय सुन लो। सुनाओ बहादुर, इस समय दोनों बापू यहाँ से चल चलो, सारा सजाम लेकर राज काशी मिलने चलो बेटा। ठीक है चलो। हेलो 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 ए राज दिल्ली को प्रजा लोग सभी लोग से कहा जा रहा है, ए राज दिल्ली में ढोला पिटा रहा है, सब दिन मेला लगता था राज दिल्ली में, लेकिन अब मन कर रहा उनको कि लगा दे जाके राज काशी हरिद्वार में। तो सभी को यही सूचित किया जाता है, ढोला पिटा रहा है, सभी लोग आकर के मेला में शुभ शोभा बढ़ा दे। हो गलो, हो गलो।
हेलो हेलो आदरणीय दोस्तों पधारे हुए हमारे माता एवं बहनों, यह जो ड्रामा आप देख रहे हैं इंदल हरण यानी भल बोकारोगढ़ की लड़ाई। दोस्तों आप लोग कृपया शांति बनाकर इस ड्रामा को सुनेंगे, किस प्रकार से इंदल को हरण हुआ है, या आप लोग शांति बनाकर के सुनिएगा। दोस्तों भैया सरदार जी भाई छोटे जंगीर उदल, इस समय यह राज महाप्या को कचहरी लग चुका है। हमारे राज कचहरी पर नित दिन भैया जी भगवान को पूजा पाठ होता है। सात बार कह रहा है उदल, सात बार कह रहे हो। आज भी पूजा पाठ हो जाता तो बहुत सुंदर की बात होता। भाई छोटे जंगीर उदल, छात्र और राजपूतों को बंगले पर जब तक राम को भजन नहीं होता है, छात्र और राजपूतों को बंगले पर जब तक राम को नाम लिया नहीं जाता है, जब तक किसी तरह बंगला गोल नहीं जाता है। कहना बिल्कुल सत्य है भैया जी। भाई जोड़ी देवा भाई उदय चल, इस समय आज हम लोग सभी नौजवानों इस राज कचहरी पर पधारा हूँ। इस राज बंगले पर प्रभु रामचंद्र जी को नाम हो जाता तो बहुत सुंदर की बात होता। कहना सत्य बात है भाई उदयचंद कि छात्र राजपूतों के बंगला है, छात्र राजपूतों के बंगला पर जब तक भगवान की भजन नहीं होता है तो हमारे बंगला उदास रहता है। कहना बिल्कुल सत्य है बेटा इंदल। चचा जी इस समय आज हम लोग सभी माँ पुत्र मिल करके माँ देवी को नाम उच्चारण कर लेता हूँ तो बहुत सुंदर की बात होता है। चचा जी एक कहावत में कहा गया है कि नाम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, कह के तुलसीदास जी की जन्म जन्म था। जब तक छात्र और राजपूतों को बंगला पर भगवान को भजन नहीं होता है तो किसी तरह से राज का जयकार नहीं होता। सत्य बात है। द्वारपाल बहादुर जी आज हम लोग सभी मोहब्बिया मिलकर के इस राज बंगले पर माँ देवी को नाम उच्चारण कर रहा हूँ। अच्छा उसमें तुम्हें शामिल रहना है। ठीक है वह शामिल रहो, तैयार हो जाओ। एकदम तैयार ही हो। आज स्मरण करला भैया जी, आज नाराज नगे। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरण उर्फ बल बोकारोगढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग पहला देखे हैं तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग दूसरा। करला भैया जी आज नाराज नगे। जाना
मरण करता भैया जी आज शिव शंकर के सरदार जी ये बताइए कि भगवान को भजन करने से हमारा राज कचहरी भैया जी कैसा लग रहा है भाई रुदल? प्रभु का नाम लेने से जिसे लग रहा है कि बंगला इसी से कहा गया है कि मनुष्य को प्रतिदिन ही भगवान को भजन करना चाहिए। सत्य बात ही कहना है। मीरान इधर आओ, इधर आओ जी। भगवान को भजन कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लग रो। अच्छा लगा एकदम। भगवान को भजन किया हमने? हाँ एक बहन के भगवान रे बदमाश कहीं का। हमने बोला हूँ कि भगवान को भजन किया, क्या बोल रहा है? भगवान के नाम नहीं, भगवान को नाम नहीं लिया बहन के भगवान के। अरे अरे बदमाश भगवान के गाली देता है, गाली देता है भगवान के। गाली नहीं देवी तो कौची दे भाई। अरे ये बतलाओ जो मानुष भगवान से विरोध करेंगे वो संसार में कभी पार नहीं पाएंगे। क्या बात है बोलिए। शांत से बैठिए आप लोग। बहादुर जी ये बतलाओ कि भगवान कितने गाली किस लिए दे रहा है? कहे लगी भगवान से हमारा लड़ाई चल रहा है आज से जी, ढेर दिन से लड़ाई चल रहा है। भगवान से झगड़ा चलता है? हाँ वही चलते ओकरा घर अइली हो। हाँ तो क्या बात का झगड़ा है रे? का बात के? हाँ पर की सलवा हमारे दादाजी ने लखुन होलिया में नाम होलिया के महीनवा हलो। अच्छा नाम ले लखिन जैसी भगवान के बिहने पर नाम ले लखुन आ सांझ के हमारे दादा को उठा ले लखुन।
यानी हमार दादा सुहा। अच्छा हमार दादा मर गए, फिर क्या हुआ? अबरी जैसी हम नाम ले वाला कैली हो, जैसे नाम ले वाला कैली हो तो या देखा नौसिनी खुजली भर गए। ओह अरे बदमाश पागल, इसका मतलब है कि तूने सही दिल से सही हृदय से तेरे भगवान का पूजा पाठ नहीं करते हो। कैसे सही दिल से? कैसे बहादुर? जो मानुष सही दिल से पूजा पाठ करते हैं, अच्छा सही दिल से नाम लेते हैं जी, शरीर में जितना दुख और तकलीफ रहता है अच्छा वो सारा बहादुर दूर चला जाता है। गौरपाल जे तेने भी बूढ़ा है कि ही महाराज मैंने जो भगवान को नाम लेता हूँ तो दुखी नोचनी खुजली भर जाता है, उसका पीछे कारण जानते हो? नहीं जानते हो? सुख में सुमरन सब करे, समझा? सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में सुमरन सो करे तो ये दुख कहे कि बहादुर। एक बात मैं भी कहने के लिए चाहता हूँ। कौची कह रहे चाहो, बोला ना। तुम्हारी ऐसा हमरा ऐसा तुम्हारी ऐसा हनुमान जी जी बांदर की तरह चौन भर करते थे तो हम बांदर ही आए। तुमको नहीं कहने दे बदमाश, आज वही बांदर के देखो, वही बांदर के देखो। अच्छा प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिल में बसाने से जी, उनको पूजा पाठ करने से आज वही बांदर के देखो बहादुर। देश देश में देखो, विदेश में देखो, हर एक कोना पर देखो बहादुर, बजरंग बली बन के पुजार रहे हैं। जे तामू भगवान के नाम ले भी मौली जी तब बिहान से हमरा इनका नहीं पूजा करते। अरे बदमाश, ते भगवान को भक्त नहीं बना है, नाम नहीं लिया है, अब पूजाने के लिए बदमाश कहीं का तैयार हो गया, तैयार हो गया, पहले पूजा पाठ करो। तो वही ना कह लिया जे, ते नाम लेगा या नहीं? ले ही ना था। लो जल्दी और जबरदस्ती लेवे कहो तो लेवे कर। ए गुरुजी हमरा दा तो वजह से दिया हमरा। आज सुमरन करली मालिक जी, आज मोटर पिलर के, आज सुमरन करली जी मालिक जी, आज मोटर पिलर के, आज जेकरा से पाटई, आज जेकरा से पाटई मालिक के हुआ आज धान, आज सुमरन कर लीज, बस करते हैं। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, मोटर पीटर में कौन देवता बास करते हैं? समझला ना पूछला, मर मर के तू हमरा चूड़ा बना ले धर के। कौन देवता बास करते हैं मतलब कौन भगवान राखिन जे? हां रहबे करखिन, हमने देखा बता दियो, हमने किसानी लाइन के आदमी हियो। अच्छा तब मोटर या पीटर के लेकर के कोई सी बोरिंग पर चल गए आ जा करके पिटारवा के बिहने से
मारहंडील 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 दोपहर हो गलो बिहने के गेल गेल अच्छा एकदम हंडील मारते मारते एकदम सपेने सपेने हो लियो। अरे बदमाश, हमने संसार में लोग कहानी कहते हैं कि महाराज तन पर पसीना आ जाता है सपेने सपेने ऊजे बूंदे बूंदे ना हुआ ओ थोप थोप चुआ हुआ पसेना ना बोलो बदमाश पसेना वही 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 एकदम पीने से दोपहर हो गलो भुक्कल है जहिया धुआई ना ठेकर और लावा कहलियो हे विश्वकर्मा भगवान अगर तू चालू हो जाए ना तो ये कंगा सराय से जाके आ दू के लड्डू तोरा चढ़ा देबो आ जैसी हैंडल पेसिंग अमरली तो फिर कौन देवता बस करते हैं विश्वकर्मा भगवान ओ तुम्हें कहना बिल्कुल सत्य है बहादुर जी क्या नहीं सुना ना ना रथुनल मोटर पिटार तो ना होतल बा धान अच्छा ना होतल बा गेहूं ना होतल बा आलू ना होतल बा प्याज तो खैतल सुखनिया हमने बाबा विश्वकर्मा माने ये सुथनी क्या चीज होता है रे बोलो भाई रिदाल जो हमला का द्वारपाल इस राज बंगले पर बोल रहा है एने सभी बिल्कुल निराश सरदार आप भी बोल रहे हैं कि सही बोल रहा है हाँ कैसे मैं सही मानूं कैसे सही बोल रहा है कि आप सुथनी का बारे में नहीं जानते हैं कि सुथनी क्या चीज के कहा करता है द्वारपाल इस बातों को तुमने हिंची करके बतलाओ कंप्यूटर में फेल कहो गए जी बहुत मार मारेंगे बेटा समझ गया तू समझ ई ना समझ के बात करा अरे यार राज महाप्या आधार उदल को कचहरी है जी इस राज बंगले पर एक एक बात का हिसाब होता है बहादुर हिसाब ला हम हिसाब देहियो चलो बतलाओ बतलाओ उस सुथनी एक ऐसा फल है ना वो इधर ना हुआ को कहाँ होता है होवा को पट्टी पट्टी उपट्टी खोल के बतला गंगा जी के उपट्टी दियर में अच्छा समझ गलो बोलो आ वो एक ऐसा फल है जेठान एक ऐसा व्रत है उसने हर घर ने हर गांव ने जिला जेवार में सभी को माता बहन सुथनी और गुड़ को सबसे पहले उसी को फलहार करते हैं यानी तुम्हें कहना है कि महाराज जी सभी जिला जीवार में गांव घर में एक जेठान व्रत होता है हाँ माता बहनों उस व्रत को रखते हैं रखते हैं और सबसे पहले प्रसाद और सुथनी गुड़ को चढ़ाते हैं सबसे पहले उसी को फलहार करते हैं अच्छा चढ़ाने के बाद जो मुंह जूठा करते हैं तो सबसे पहले उसी से जूठा होता है सबसे पहले उसी से होता है तो तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए ही ने कहा रियल बजे बहादुर तो सुथनी जो है तो भगवान का भोग में लगते बहुत अच्छा चीज है तो वही ना कहा लियो ठीक है चलो बैठ जाओ चलो बैठो बेटा सुथनी लगो सा जाओ बैठ जाओ बैठो राम मालिक जी पकड़ा भार मुट्ठी भैया सरदार जी भाई रिदाल इस राज के चेहरे पर बैठे बैठे मन में एक बात विचार किया हूँ क्या विचार सोच रखा है भैया जी आज इस राज बंगले पर भाई देवा से छोटा सा एक सवाल कहने के लिए चाहता हूँ एक सवाल हाँ अच्छी बात तूने सवाल के रखो और हम लोग सभी महाभिया बैठ कर इस बातों को सुनता हूँ आदि भाई रिदाल तुम्हारे सवालों का भाई देवा उत्तर अभी जो नहीं दिया तो इसको इस राज बंगले से हम लोग कान पकड़ के हम लोग ठीक है सरदार जी आप लोग कचहरी पर बैठ जाइए भाई जोड़ी देवा भाई उदय चल जोड़ी आज तुमसे एक सवाल कहने के लिए चाहता हूँ क्या हमसे हाँ कोई सवाल करने के लिए चाहते हैं हाँ तो भाई उदय चल का सुनाइए कौन सा सवाल है ठीक है ध्यान लगा के सुनो आज उदय चल कह करके सुना देता है ठीक है भाई उदय चल हाँ
जदि में ना हो नहीं धरती थी नहीं आकाश था। कौन ऐसा पुरुष थे जो कि संसार में सृष्टि को रचना किए? इसी बात के उत्तर चाहिए भाई उदय चंद। हाँ ठीक है, सुन लो। काल निरंजन जोड़ी आज जाल के फलाए। अच्छा भाई देवा, काल निरंजन जाल क्यों फैलाए? अच्छा माया दी शक्ति ने सृष्टि की रचाई है। तुम्हें कहना है कि भाई उदय चने काल निरंजन जाल फैलाए? हाँ माया दी शक्ति सृष्टि को रचना की। हाँ जोड़ी रचना तो सही बात है कि माँ आदि शक्ति की, लेकिन माँ आदि शक्ति में लेकिन है क्या? लेकिन
नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरन उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग दूसरा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग तीसरा। अरे भाई उदय चल भाई देवा काल निरंजन जाल क्यों फैलाए। अच्छा माया दे शक्ति ने सृष्टि की रचाई है। तुम्हें कहना है कि भाई उदय चल काल निरंजन जाल फैलाए। हाँ माया दे शक्ति सृष्टि को रचना की। हाँ जोड़ी रचना तो सही बात है कि माँ आदि शक्ति की, लेकिन माँ आदि शक्ति में लेकिन है। क्या लेकिन है भाई उदय चल क्या लेकिन है ये सुनो। सुनाओ भागन रहलई हो जोड़ी मैया आदि शक्ति के। अच्छा माया दे शक्ति को भाग नहीं थी, यानी संतान होने वाला कोई जगह नहीं। एक आना है ना सृष्टि की रचना कैसे हुआ भाई उदय चल सृष्टि कैसे माया दे शक्ति ने इस संसार में रची है ये सुन लो। सुनाओ चल माँ आदि शक्ति की सचमुख में भग नहीं था, लेकिन माँ आदि शक्ति की काली अंगुली में अमृत के घड़िया बसती थी उसमें। अच्छा और वो से काली अंगुली से माँ आदि शक्ति ने क्या की है जो सुन लो। सुनाओ आज नखुन से चिरका हो जोड़िया आहो तिल भाग के बनाए भाई देवा। आहो नखुन से चिरके हो जोड़ी माता जी भाग के बनाए। अच्छा I'm gonna take
जन भाई देवा माया अति शक्ति ने लकड़ी के चीर कर भग को बनाए। उस भग में माया अति शक्ति तीन बूंद अमृत छुलाए। अच्छा, जिससे जल में ब्रह्मा विष्णु महेश और उसी से संसार रचा गया है। भाई देवा, भाई देवा तुम्हें कहना बिल्कुल सत्य है, कहना बिल्कुल सत्य हुआ। भैया सरदार जी, जो भी हमने भाई देवा से सवाल किया, सवाल के जवाब सही सही बतलाया है। क्या मिल गया सवाल? हाँ, एक प्रश्न आपसे कहने के लिए चाहता हूँ। क्या हमसे? हाँ, कौन ऐसा प्रश्न है? सुन लीजिए। राज के चेहरे पर बैठे बैठे आज दिल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आज अपने अखाड़े पर जाने के लिए चाहता हूँ। भैया सरदार जी, भाई दल की कहना है कि नित दिन मैं अपने अखाड़ा पर जाता था, आज ढेर दिन से मैं अपने अखाड़ा नहीं गया हूँ। आज मैं अपने अखाड़ा पर जाके कष्ट मना लेता तो बहुत सुंदर की बात होता। भाई तो सोच रहे हैं कि भाई उधर के साथ मैं भी चले जाऊं तो बहुत सुंदर की बात होगा। क्या है ऐसा बात? हाँ भैया सरदार जी, जाओ। सरदार जी, जाने से पहले एक बात और कह देता हूँ, जब तक मैं अपने घर से लौट करके राज बंगले पर नहीं आऊंगा, जब तक ड्यूटी अच्छे ढंग से लगा दीजिएगा। सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, खुशी रहो, आनंद रहो, बहादुर।
हाय ले अरे वो सखी सहेलिया अरे अरे ओ मोर गोरिया क्या बात है आ चलना है हम लोग कहां कहां नहीं जानती हो नहीं अरे हरिद्वार में मेला लगा हां 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 चलिए 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 चलना चाहिए आए कि बम बम कि बम बम बोल रहा है काशी कि बम बम बोल रहा है काशी दिल्ली फिदा उस पर है हरिद्वार में मेला लगा है अच्छा हम लोग को चलना है चलिए चल तो चला ओहो कितना सुंदर लोग अपने बोल बम को नारा लगाते हुए कहां को उड़ जा रहे हैं जो मुझे मालूम नहीं इसी बात को आज मैं अपने पिताजी से पूछता हूं कि ये स्वर्ण यात्री लोग कितना रोते जा रहे हैं और कितना हंसते जा रहे हैं ये बातों को मैं अपना पिताजी से पूछता हूं पिताजी बेटा हिंडाल पिताश्री आज यदि आपको आज्ञा हो अनुमति हो इजाजत हो तो मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ बेटा हिंडाल कौन ऐसी बात तेरे इसी राज बंगले पे सोच रखा सुनाओ कौन ऐसा बात सोचा हूँ पिताजी जी मैं कहकर सुना देता हूँ सुन लीजिए ठीक है सुनाओ आ
बजी सुनला हमर दिलवा के रे कबाल आज या सब जातरी पिताजी आज कहा में जाला एह में बतलाइए केशवन जात्री लोग कितना रोते जा रहे हैं और कितना हंसते जा रहे हैं कहां को और जा रहे हैं पिताजी जो बतलाइए बेटा इंदल ई जो बोल बाऊ का नारा लगाते हुए सब लोग जा रहे हैं कितने हंसते जा रहे हैं और कितने सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ पिताजी, क्या इसका बारे में तेरे पता जानने के लिए चाहते हो? मैं चाहता हूँ, अगर बतला देते हैं तो बहुत खुशी की बात रहता। नहीं बेटा इंदल सुन लो, सुनाइए। बेटा सुन ले तानी डाला हो बबुआ ने पिताजी सब बात से बेटा तोरा क्या रे मतलब है। अच्छा अरे बाबूआ सुन ले पिताश्री राज महबी में इस समय बात से तुम्हें क्या जरूरी है, क्या मतलब है? तुम खाओ पियो मौज करो, अभी राज महबी में पढ़ने के लिए जाओ जाओ।
पिताजी मैं एक बात कहता हूँ, मेरी बातों को गौर लगा कर सुनिए। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरन उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग तीसरा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग चौथा। बेटा इंदल, पिताश्री ए राज महाबीय में इस समय बात से तुम्हें क्या जरूरी है, क्या मतलब है? तुम खाओ पियो मौज करो, अभी राज महाबीय में पढ़ने के लिए जाओ, जाओ। पिताजी मैं एक बात कहता हूँ, मेरी बातों को गौर लगा कर सुनिए। पिताजी सुनला हमर दिलवा के एक बात, आज सवन हाला पिताजी बता दो हमारा बगले पास। अगर ईश्वर हल्लो को ईश्वर हल्लो को बतला देते हैं तो हंसते खेलते अपने रंग महल में जाकर बड़ी अच्छा से भोजन कर कर राज भाप्पे से पढ़ने के लिए अपने स्कूल चला जाता। सुनो पिताश्री।
राज महाप्या में तेने अभी लड़का यबूद है। अच्छा, इस सब से तुम्हें क्या जरूरी है कि कहाँ मेला जा रहा, कहाँ क्या हो रहा है? जाओ, ये सब बात तुमको सुनने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, चले जाओ। जाओ पिताजी, ये बतलाइए कि मैं ये बातों को राज बंगले भी पूछ रहा हूँ तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इंदाल, मैं कहूंगा जे तू सुनेगा कि तू कहेगा जेब सुनेंगे। नहीं, जो आप कहिएगा वही सुनेंगे। नहीं बताएंगे, जाओ जाओ। जब एक बात कह दिया कि तू जाओ तो जाओ। हे पिताजी, मैं आपको पांव पड़ता हूँ, बता दीजिए ना। अरे बतलाइए पिताजी। हिंदल, क्या हमने बतला देंगे तो तुम अपने महल के पास चल जाओगे? हाँ, 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 हाँ। अभी हमारे ये यात्री लोग को बतला दीजिएगा। बतलाता हूँ उसी से लगता कि तेरा महल में जाओगे ना। हाँ, चला जाऊंगा पिताश्री, लेकिन बतलाइए तो जरा। कहीं पिताश्री कहीं बेटा इंदाल, जिस प्रकार से बाबा धाम में मेला लगता है। क्या बाबा धाम? बाबा भोलेनाथ को। अच्छा, तो देखता है कि इस पूरे बिहार पूरे प्रांत का लोग जाके बाबा भोले पर जाके सब लोग जल चढ़ाते हैं। तो अच्छा, उसी प्रकार से बेटा सुन लो। सुनाइए। पिताजी, जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ को मेला लगता है, अच्छा उसी प्रकार से देवघर की तरह एक काशी हरिद्वार में मेला लग चुका है, इसलिए सब लोग ओहे के यात्रा बनाए हुए हैं, जा रहे हैं। क्या काशी मेला हरिद्वार को मेला लगा है? हाँ, जाओ पिताश्री। बतला दिया ना? बतला दिए। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। अरे अभी तेने बोला है कि पिताजी हमें बतला दीजिए, मैं महल को जाऊंगा। अब तक तेने क्या बोल रहे हो? मैंने कहा था कि अपने बतला दीजिएगा तो चला जाऊंगा, लेकिन आप जिस तरीका से बतलाए हो मेला के बारे में, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या सुनाते हो? सुन लीजिए। पिताजी सुनल हमर दिलवा के एक बार, आज लग गए ललसवा पिताजी हमारा उड़ुआ में लगा के।
पिताश्री जिसे हमारे बताए काशी हरिद्वार मेला को, तो हमें दिल में बहुत कस के उमंग जुट चुका है कि मैं जाकर काशी हरिद्वार मेला में स्नान कर लेता तो बहुत सुंदर की बात रहता। बेटा इंदल, क्या तुम इस मेला में तेरे जाने के लिए कहते हो? हाँ। ओ, तेरे अभी राज महाभिया के बारे में मालूम नहीं है। दिलाबा के सारा धापुरा इंदल, हमें राज महब्बा में कभी दिल में ऐसा उमंग नहीं हुआ था, लेकिन आज हमारा दिल में उमंग हुआ है। वो बातों को आज पूरा कीजिए पिताजी। बेटा इंदल, इधर आओ। तेरे राज महब्बा के बारे में बेटा अभी तो नहीं जानते हो, समझा? राज महब्बा के बारे में हम लोग दोनों भाई जानता हूँ कि हम लोग राज महब्बा में कैसे अच्छे से रह रहा हूँ, कैसे क्या हो रहा है। सुन लो, सुनाइए। क्या इजाजत देंगे ना पिताश्री? इजाजत देंगे ना? अरे कोने कोने पर बेटा दोनों भाई का दुश्मन बस। क्या बोल रहे हैं पिताश्री? तेरे भी बच्चा हो या अबोध हो? मैं मानता हूँ कि भी छोटा सा अबोध हूँ। अरे कोने ताको ने पर बबुआ, अरे दुश्मन बबुआ। अच्छा इंदल, तिराज महबिया के बारे में अभी नहीं जानते हो। दोनों भाई का हम लोग का कोने कोने पर दुश्मन बसता है। अच्छा, यदि तेरे काशी मेला में जाओगे किसी प्रकार का बात विचार हो जाएगा तो हमने बेटा। पिताश्री आप अभी अभी कह रहे थे कि राज महबिया क्या था, क्या है? दोनों भाई अल्हर दल को कोने कोने पे दुश्मन बसता है, तुम क्या जानते हो? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ जो सुन लीजिए। नाम नाम परमेश्वर
सुमरी दीनानाथ भगवान सुनला पीता जी लगे जी लाला ने भीला न के पिताजी हमर चाचा उदलती जलमा किला तोड़े हैं चाचा बिरमल खान 22 बेटा है दादा सैयद को उनको घर में 3 लाख है तलवार तो फिर में भी हमें ले जाने से इनकार करते हैं बेटा इंदल पिताजी तेने अपने आप को परिवार को तेने बड़कपन कर रहा है नहीं सुन लो जो हमारे चाचा जी कर बिताए हैं उसी को बड़ाई में कर रहा हूँ भैया हम लोग को जैसा डिस्टर्ब हो रहा है सुन लो इंदल अरे आज तक इस धरती पे कोई और पीर और बलवान नहीं हुआ है इंदल ते नहीं जानते हो सब पीर और बलवान समय बलवान कहता है ये आदमी कोई बलवान नहीं कहता क्या आदमी कोई बलवान नहीं कहता है हाँ सुन लो जब कह दिया कि ते चले जाओ रंग महल तो जाओ चले जाओ जाओ क्या नहीं दीजिएगा इजाजत पिताजी क्या हमारी इजाजत नहीं बनाइएगा एक बार बोल दीजिए कि नहीं बनाएंगे कहिए अरे बदमाश पिताजी सुन लीजिए सुन लो मैंने जाएगा या नहीं एक बार सुनो जब मैंने एक बार बोल दिया कि काशी मेला को इजाजत मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा ध्यान नहीं दीजिएगा सुन लीजिए नमस्ते प्रणाम मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार आप लोग देख रहे थे इंदल हरण उर्फ बल बोकारोगढ़ की लड़ाई तो आप लोगों ने अभी तक भाग 4 देखे हैं तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 5 जब मैंने एक बार बोल दिया कि काशी मेला को इजाजत मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा क्या नहीं दीजिएगा सुन लीजिए पिता जी सुनला हमर दिलवा के दिलकार आज लोहा बाबा जगेल पिता जी आज लोहे जी गाजल
तेरे साथ में तेने जीत वाला बात बोलोगे अपना तेने बोलोगे अपना कान वाला बात मैं तुम सुनने के लिए नहीं चाहता हूं। जब एक बार कह दिया कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे नहीं देंगे। अरे पागल कहीं का तेने अपना मन वाला बात करोगे सुन लो कहीं का चंडाल कहीं का अभी से तो अपना मन बना Thank you.
ठहराओ। जब मैंने बोल दिया कि इजाजत नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जाओ जाओ तू ठहराओ। अरे चंपाल, हमने बेटा को दाब रहा हूं और समझा रहा हूं कि नहीं जाएगा कहीं पर ही, और नहीं कोई बात विचार आज तो हम समझाई। तुमको भी उसको दाबना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन तुम उसको चाहते हो ना, तू भी उसके पागल कहीं का पागल है भैया। जा हेलो, जी मेरा नाम है फटीचर, अरे मैं हूँ हाई स्कूल के टीचर। मेरा नाम है फटीचर, मैं हूँ हाई स्कूल के टीचर। मैं चलाता हूँ अरियामा को रहने वाले सुहास गोप जी की तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार। मैं उन श्रीमान को शुक्र अदा करता हूँ और करता रहूंगा। अभी अभी हम अपने पिताजी से इजाजत मांग रहा था काशी हरिद्वार मेला को, तो हमारे पिताजी इजाजत नहीं बनाए, बहुत पिटाई भी किए, लेकिन मैं अपने पिता को बातों को छोड़कर मैं अपने रंग महल में जा रहा हूँ। रंग महल में जाकर गम का चादर ओढ़कर सो जाता हूँ। देखता हूँ माता अन्य पिता खोजने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं।
आज मैंने रंग महल में बैठी बैठी मैंने मुझे दिल नहीं लग रही है, नहीं जाने बेटा इंदल एक कहां खेलने के लिए चले गया है, अभी तक पता नहीं। मैंने रंग नहीं रहने वाली बांदी से मैंने पूछती हूँ, ओ बांदी खुश रहो बांदी, बताओ बेटा इंदल एक खेलने के लिए गया है, अभी तक पता नहीं ओ दूध भात भोजन एक किया है कि नहीं। नहीं महारानी, जाके घर ने ढूंढ के देखो कहाँ पड़ी है इंदल। मैं जाती हूँ। तो कुटिया घर में सोते है का गम के चादर ओढ़कर ओ जाके विश्राम कर रहे हैं। बांदी तुम जाओ, मैं जाके मेरे बस में देखती हूँ। इंदल इंदल बाबूरी बेटा इंदल उठो ना बेटा इंदल। रंग महल में तू सोई हो बेटा, उठो मेरे लाल। आ
अखिया ललनबा देखा देखो सागर को हवा में बेटा ही बताओ कि गम की चादर ओढ़ के रंग महल में तुम सुता हुआ है। ई बताओ कि राज महप्या में तुम्हारा कौन आंख देखा दिया, कौन तुम्हारा बात कह दिया बेटा? माँ बेटा ये बात तेने पूछ रही हो माँ? चलो मौत जिस नलद लवा के हम बर्बाद बेटा आज न गया खा माता जी देखा अजी मोहवा में आज न गया खा माता जी देखा अजी मोहवा में ना कोई बतिया मैया कहलक जी हमा ना कोई बतिया मैया कहलक जी हमा एक चीज के ललसा पुरई राज महप्या ने कोई आंख नहीं दिखाया, कोई नहीं तुम्हारा बात कहा,
एक चीज के ललसा लग गया है। सुनो मेरी लाल, नमस्ते प्रणाम। मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरन उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 5 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 6। बेटा इंदल, राज महब्या ने कोई आंख नहीं दिखाया, कोई नहीं तुम्हारा बात कहा, एक चीज के ललसा लग गया है। सुनो मेरी लाल, कौन चीज के ललसा बेटा रे लग गए तेरे दिलावा में। इंदल, तुम्हारे कौन सा शौक दिल ने लग चुका है? माँ सिखो, माँ अवश्य में प्राक में कर सकती हूँ बेटा। माँ, एक कहावत भी कहा गया है माँ कि कहे उसी से कर दे खुशी से, ना कहे किसी से तब कहे उसी से। माँ पहले तेने वादा करो कि हाँ जो तुम्हें ललसा है ओ तुम्हें ललसा पुराऊंगा, तब मैं कहूंगा। माँ बेटा इंदल, तुम्हारा राज महब्या में एक पुत्र है, तुम्हारा ललसा नहीं पूरा करूंगी तो किसका मैं पूरा कर सकता हूँ मेरे लाल? क्या पूरा करोगे ना माँ? हाँ बेटा, सोलो माता सोलो। हाथ मेरा नया सरना माता जी,
माताजी मिलाल हमें दिल में शौक हुआ है माँ, दिल में उमंग आया है माँ, बहुत भारी मेला लगा है काशी हरिद्वार में, वहाँ जाकर मैं स्नान कर लेता माँ तो बहुत सुंदर की बात रहता। ऐसी बात इसी चीज का हमें ललसा है माँ। क्या स्नान करने जाएगा? हाँ माता जी। बेटा ये कौन सी बात है? सुन मिर्लाल, नहर खुदा दे में बेटा, अरे हरिद्वार में लवा से लाल आरे मोहबान बैठी बेटा बाकरी हया सानन आईना हरा खुदा देव बाबू बेटा। तेरी क्या बोल रही हो माँ? ये हरिद्वार जा मेला जाने से क्या फायदा है तुम्हारा है? मैं हरिद्वार मेला आने से मैं नहर खुदा कर राज महब्या में मिलने ला सकती हूँ बेटा माँ, और मोहबा ने बैठ कर तुम्हारा स्नान करा दूंगी बेटा। मैं इसीलिए तुम्हें आपको नहीं बतला रहा था माँ, लेकिन सुनो मैं क्या कहता हूँ। मैया हमर सुनल दिलवा के एक बार मिलाल गो भैया रे माता जी एक कोई दला नहीं रहियो आज तू गई आ भैया रे माता जी
माँ बेटा आज मोहब्बा में दो भाई एक हमारे पिता अल्हाजी एक हमारे चचा उदय चंद दो भाई में एक लाल हिंदल माँ उसे एक चीज का ललसा नहीं देने पुरानी के लिए कहती हो माँ तो कुछ दिन का बाद या कुछ पल का मैंने राज मोहब्बा को मेहमान हूँ माँ नहीं, 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 नहीं। अगर हमारा इजाजत राज काशी मेला हरिद्वार को नहीं बनेगा ते अपना चेहरा राज मोहब्बा में कभी नहीं दिखाऊंगा माँ सुनो मैं जा रहा हूँ माँ रुको इंदल मैं तुम्हारा हरिद्वार मेला स्नान करना है ना हाँ एक बात और कहता हूँ अगर राज मोहब्बा में मैं मुंह धोऊंगा माँ तो गौ का हर से करूंगा अगर कुल्ली करूंगा राज मोहब्बा में तो गौ का खून से करूंगा भोजन करूंगा तो गौ का मांस करूंगा अगर इजाजत नहीं बनाओगी तब बेटा तुम ऐसी शर्त राज मोहब्बा ने मोहब्बा दरबार में तू रखा है हमा बेटा मैं स्नान में जरूर में करा सकती हूँ बेटा बाकी मेरी बेटा पहले तुम्हारे जाकर रंग महल ने जाकर हाथ घर धोकर दूध भात भोजन जाके करो तुम्हारा अवश्य में नहीं स्नान में करा दूंगी नहीं माँ जब तक तेरे अपने मुखों से हमें नहीं कहोगी कि तेरे जाकर मैं काशी हरिद्वार में स्नान करवाऊंगा जब तक ऐसा चैन से बैठने वाला राज मोहब्बा नहीं ठीक है माँ के बता रहा हरिद्वार मेला नहीं जाकर तुम्हारा स्नान जरूर मैं करा सकती हूँ बेटा क्या माँ कराओगे ना हाँ अवश्य मैं कराऊंगी आबा जुगा जुगा निहा जाबा बेटा ठीक है राज मोहब्बे दरबार में जाकर दूध भात भोजन करो मैं अवश्य मित्र हमारे हे माता माता होवे तो तुम्हारी जैसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ माँ कि हमें हर जन्म में तुम्हारी जैसा माता हमें चाहिए जाओ बेटा माँ मैं जा रहा खुश रहो मिला मैं क्या करूं हे भगवान राज मोहब्बा मैं एक पुत्र है मैं निकाल जाती हूं हो सकता है मेरे पुत्र कुछ भी कर लेगा राज मोहब्बा उदास छाएगा ओ बांदी 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 महारानी राज कचहरी पर तुम चली जाओ और राज कचहरी पर जाकर हमारी छोटी देवर होती उनको जल्दी बुला के लिया
बांधी। ठीक है महारानी जा मेरा आ गया। महाराज क्या बात है, क्या सूचना लेकर